हॉस्टल अस। सो आई नो कि बहुत दिनों से भाई ब्लॉग नहीं आ रहा था, इसकी मतलब यू नो वॉट, यूट्यूब के लिए थोड़ा अलग से टाइम निकालना पड़ता है, यू हैव टू गिव दोस एफर्ट्स टाइम, तो फिर जाकर ही मतलब वीडियो बनता है। एंड मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। एंड आई लव डूइंग वीडियोज़ बट यू नो वॉट, सब पर्सनल लाइफ में थोड़ा शेड्यूल, बिजी शेड्यूल हो जाने से मतलब ये सब थोड़ा साइड बाय करना पड़ता है। एंड वैसे भी मतलब अच्छे कंटेंट के लिए बाहर जाना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है। एंड मतलब मैं तो कोई ऐसा एक प्रोफेशनल नहीं हूँ कि जो भी मैं बक दूँ आप सुनोगे, ठीक है। तो बाहर जाना पड़ता है, वीडियोस क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वैसे भी मैं कुछ बाहर भी नहीं जा रहा था इसलिए सोचा क्या ही घर में बैठे ब्लॉग बनाऊँ, तो आई प्रिफर स्किपिंग दोज 2-3 वीक्स, इसलिए वीडियो नहीं डाला। एंड फिलहाल अभी सोच रहा हूँ जितना भी जो भी कुछ कर रहा हूँ उतना ही डाल दूँ, ठीक है। आज जो है मेरे साथ मेरी छोटी बहन है ओहना, ठीक है, वो इधर बैठी है। और मेरी एक बड़ी दीदी भी होती है हर वक्त, हर साल वो मेरे को पहले राखी बांधती है, ठीक है, लेकिन वो अभी मतलब उनके हॉस्टल में है तो वो अभी आ नहीं सकती, ठीक है। और ये अभी मेरा छोटा भाई है पुच्चू, देख सकते हैं कि ये है दिया एंड दिस इज स्वीट्स एंड राखी चावल फूल। एक्चुअली इट्स अ ट्रेडिशनल हिंदू कस्टम, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू। सो राइट नाउ आई जस्ट रिसीव्ड अ पार्सल फ्रॉम माय दी एंड इट्स नथिंग अ राखी, वेरी मेरी थैंक्स क्या भेजा है उन्होंने, नाइस कार्ड बाय द वे। ओके देयर्स अ कार्ड, लेट्स सी, डियर सिद्धिराज कानूनगो एंड शर्णव दास, मतलब वो छोटा भाई, हैप्पी रक्षाबंधन, खुश रहो और मुझे मिस करते रहो, ऑब्वियसली मिस ही करेंगे, जल्दी मिलेंगे, या श्योर, लव यू टू सन वी। ओके वो तो अभी नहीं है, जब आएंगे आई विल मेक श्योर टू शो देम फ्रॉम कल्हा दास। वाओ नाइस, ओके आई थिंक सो ये शायद राखी है, वाओ दैट्स अमेजिंग, दिस इज एक्चुअली नाइस, हैप्पी रक्षाबंधन, this is a bond of love, a bond of togetherness, it's a thread that binds our lives and our hearts. Okay so thank you didi. फिलहाल मैं और एक मेरा दोस्त जा रहे हैं बाहर, थोड़ा जाएंगे, सोच रहे थे थोड़ा एस्प्लेनेड जाएंगे, बाकी एस्प्लेनेड में तो अभी शूटिंग अलाउड नहीं है, देखे थे आप पहली बार, मतलब वो जो मम्मी के साथ गया था वो मतलब क्या ही हुआ था, ठीक है, तो शूट नहीं कर सकते। और सोच रहे थे कि बाहर किधर खाएं, वी थॉट दैट कि मतलब फूड कोर्ट में खाएंगे, थे कि फूड कोर्ट में ना खा कर विल ट्राई समथिंग स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट बिरयानी कुछ ट्राई करें, ठीक है। तो अगर खाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो आई विल ट्राई टू शो यू दैट। सो राइट नाउ मैं और मेरा ये दोस्त, ठीक है, इसका भी एक चैनल है, बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये एक्चुअली अभी मैं और मेरा एक दोस्त अभी हम जा रहे हैं एस्प्लेनेड, ठीक है, एस्प्लेनेड से मिलते हैं, आपको दिखाते हैं अगर उधर कुछ प्लान हो पाया। तो राइट नाउ आई एम एट एस्प्लेनेड फूड कोर्ट, ठीक है। पिछले बार जब आया था एस्प्लेनेड बंद था, वो मम्मी के साथ आया था, अभी मैं दोस्त और मैं आया हूँ, दोस्त को दिखाऊंगा और कुछ देर के बाद, ठीक है। एंड अगर आप कोई भी मॉल जाते हैं सो मेक श्योर दैट यू आर डबल डोज वैक्सीनेटेड, और वो और जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपका फ़ोन में होना चाहिए ताकि आप सिक्योरिटी वाले को दिखा देंगे और वो छोड़ देगा, वरना मतलब फंसोगे और आ भी नहीं पाओगे।
तीन पीस चिकन राइस और आपका चिकन का जो सूप है वो और कचुम्बर हमको मिला है, ठीक है। अभी टेस्ट इसको तेरको कैसा लगा देगा? सही है, प्राइस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इट्स अराउंड 80 रुपीज़, इट अराउंड नहीं है 80 रुपीज़ का ही है। बाकी आप जितना भी रेस्टो में खाओ आपको कभी कभार स्ट्रीट में आकर भी टेस्ट करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज दे ऑल्सो हैव सम गुड फूड, गुड टेस्ट, गुड क्वालिटी, ठीक है। और एक चटनी भी दिया है, ताकि बहुत सही दिया है, आप आकर इधर टेस्ट किया। और अगर आप लोकेशन की बात करें तो जो रमा देवी का वुमेन्स कॉलेज है वो उसके ऑपोजिट में है, ठीक है। आप इसको बहुत सारे बिरयानी के स्टॉल, लेकिन ये जो आइडेंटिटी है कि ये जो पीतल जो है, ये जो मटेरियल वो उसमें बिरयानी होगा, ठीक है। और तो आप आइए, देख के टेस्ट करिए कैसा लगता है आपको, और कमेंट्स में बताइए, ठीक है। सो इफ यू आर अ गाय हु इज प्लानिंग टू बाय अ बाइक राइट नाउ, सो आई वुड रिकमेंड कि यार थोड़ा रुक जाओ। इसके मतलब बहुत ही सारे, मतलब बहुत सारे तो नहीं, मतलब जिसके सब फैन बेस है, ठीक है, वही सब बाइक आ रहे हैं। एस की मतलब यामाहा लॉन्च करे अपना R15M, एंड आई गेस थोड़ा हिंट है छोड़ो, एंड दी पल्सर RS200 इज ऑल्सो लॉन्चिंग इट्स न्यू कलर्स के, मतलब वो उसका जो अलॉयज जो वाइट कलर का था वो अभी मतलब ब्लैक कलर के अलॉय में उसके पुराने स्कीम में बेच रही है। एस की मतलब यार वो जो वाइट कलर का अलॉय वाला जो बाइक्स थे वो मतलब लोग खरीदे ही नहीं, सो कंपनी मतलब लॉस में आकर समझ गई कि यार ये मतलब हमको घाटा देने वाली है ये जो वाइट कलर के अलॉय। सो दी पल्सर इज गोइंग टू लॉन्च इट्स ओल्ड कलर स्कीम, एंड राइट नाउ भी बहुत सारे, एंड समथिंग पल्सर 250 इज ऑल्सो गोइंग टू बी लॉन्च, एंड अभी बहुत ही सारे बाइक्स एंड कार्स लॉन्च हो रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट यार तुम थोड़ा रुक जाओ। सो क्या हाल बना रखा है, छोड़ दो उसकी बात मत करो, ठीक है। बट हैप्पी राखी टू ऑल, मतलब ऑल नहीं, कुछ जन को छोड़कर हैप्पी राखी, ठीक है। और बाकी ये ब्लॉग कौन से दिन अपलोड करूँगा उसका तो पता नहीं, लेकिन आप जिस भी दिन देख रहे हो ठीक है समझ लेना, एंड टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।